हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी की। और देखिए, लगातार एक गिरावट का माहौल बना हुआ है इसमें। आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आए, उसके बाद से ही लगा था कि स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम में आएगा, बट यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रैप बन चुका है सुजलॉन एनर्जी में। तो आप देखिए कि आज भी 6.5% के आसपास एक गिरावट हुई है। काफ़ी इन्वेस्टर्स के ईमेल आए हमारे पास कि क्यों गिर रहा है ये और क्या होल्ड करना ठीक है, यानी तो इसी पर्पज ये वीडियो है कि इसमें हम रीजन्स की बात करेंगे। डाउन डाउन क्यों जा रहा है, पहली बात, और दूसरी बात करेंगे क्या अगर यहाँ पर डाउन जा रहा है तो लॉस बुक करके बाहर आ जाने का रीजन सही होगा या नहीं, और कब तक होल्ड करना पड़ सकता है। तो सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो सुजलॉन की बात करें तो एक ठीक ठाक स्टॉक हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक ठाक मोमेंटम आया था इसमें। आप देखिए कि एक दिन का आज का चार्ट है ये, तो मॉर्निंग में ठीक ठाक एक स्टेबिलिटी थी, पर जो प्रॉफिट बुकिंग बाजार में देखने को मिली है उसकी वजह से यहाँ पर एक भारी भरकम गिरावट का माहौल भी बनता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, आप देखोगे तो सुजलॉन में कई बड़ी खबरें आई थी पिछले दिनों, सोलर को लेकर भी अच्छी खासी खबरें आई थी, और सोलर की खबरें में को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। शायद ये वजह है कि यहाँ पर एक गिरावट का माहौल है, कई रीजन से। एक तो देखिए आप, सुजलॉन में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है ऑपरेटर्स का, और ऑपरेटर्स की वजह से ही सुजलॉन जो एनर्जी का जो स्टॉक है हमारा वो डाउनवर्ड जा रहा है इस समय पर। देखिए आप, ऐसा होता है कि जब भी स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला होता है तो उससे पहले वहाँ पर गिरावट का माहौल देखा जाता है, और उसके पीछे का जो रीजन होता है वो ऑपरेटर्स होते हैं। वो ऑपरेटर्स उस स्टॉक को चला रहे होते हैं ताकि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो वहाँ पर पैसा लगा के अपना पैसा बना सकें, और रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पर अपना पैसा डुबा सकें। अब यहाँ पर जिन लोगों ने 7 रुपये के आसपास बाइंग की थी, 6 रुपये के आसपास बाइंग की थी, उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है इस लेवल पर, और ये स्टॉक गिर रहा है इस समय पर। ये बेरिश जोन में स्टॉक है हमारा, और यहाँ पर उठने का कोई नाम नहीं है। कब तक ये ऊपर जाएगा इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं, क्योंकि सोलर एनर्जी को लेकर कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आई है, सुजलॉन की तरफ से भी कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कि हाँ ये स्टॉक डाउनवर्ड जा रहा है। आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और वहाँ पर लॉस जो था वो नैरो हुआ था, कम हुआ था, और वो एक पॉजिटिव खबर थी। लॉस कम होता है तो वहाँ पर पॉजिटिविटी आती है स्टॉक में, बट उसके बावजूद भी स्टॉक में लगातार एक गिरावट का माहौल बना हुआ है। ठीक है, बात करें इसके टेक्निकल्स की, तो आप देखिए कि स्टॉक हमारा सुजलॉन एनर्जी 10th लार्जेस्ट कंपनी है इन इंडिया, और 4,391 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बना हुआ है। पिछले एक महीने डेढ़ महीने में देखेंगे तो लगभग 1,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन गायब हो चुका है इसके एम कैप से, कंपनी से। ठीक है, तो आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से ठीक ठाक कंपनी बन के निकल रही थी ये हमारी, वहाँ से मुझे लगता था कि ये सुजलॉन का जो स्टॉक है वो ठीक ठाक निकलेगा, बट हालांकि रिस्की तब भी था और रिस्की अब ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जितना इंटरफेरेंस ऑपरेटर्स के स्टॉक में है उतना इंटरफेरेंस अगर किसी स्टॉक में रहता है तो वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है बाजार में। आप देखिए कि 10th लार्जेस्ट कंपनी इस समय पर है ये, और ये कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,000 करोड़ के आसपास का इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन इरोड हो चुका है पिछले एक महीने से कम के समय में। रीजन है कि जो लगातार शेयर प्राइस डाउन जा रहा है वही एक कारण है इसका, और डाउन जाने के बहुत सारे अलग कारण हैं। आप देखिए कि हम बात करें अगर इसके, तो इस समय पर जो हमारा स्टॉक है वो 5-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 10-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 20-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 50-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है जो कि बेरिश जोन आने का इशारा कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 इंडिकेटर है जो बता रहे हैं कि बुलिश जोन में है, 11 इंडिकेटर है जो बता रहे हैं कि बेरिश जोन में हमारा स्टॉक जा चुका है, और चार्ट को भी एनालाइज करेंगे आप तो वहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक हमारा बुरी तरह से बेरिश जोन में है। मैग्डी की बात करें चार्ट में, या फिर RSI की बात करें, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमारा स्टॉक पूरी तरह से बेरिश जोन में जा चुका है। कुछ जो अच्छी खबरें हैं मैं उनकी भी बात करूंगा सुजलॉन में, क्योंकि सारा कुछ बुरा नहीं होता किसी भी स्टॉक में, और लंबे समय के लिए अगर कोई होल्ड करता है तो यहाँ पर रिस्की स्टॉक है, बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है और बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग भी है, पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसका प्रॉस्पेक्ट थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। इन्वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी इसमें, बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना ही मैं बोलूँगा अगर आपका लॉस कम है थोड़ा बहुत तो लॉस बुक करके निकल जाने का डिसीजन भी सही होगा आपका, पर एक लंबे समय के लिए एज ए स्टॉक हम एनालाइज करें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं। तो कंपनी एज ए कंपनी हम देखें यहाँ पर सुजलॉन हमें आगे आने वाले समय में ठीक ठाक कंपनी बनकर उभरती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर वीकली डिलीवरी की बात करें तो 56% के आसपास की वीकली डिलीवरी है हमारी, जो कि बहुत बेहतरीन है। 35 मिलियन शेयर्स डिलीवर हुए हैं लास्ट वीक में, जो कि बहुत अच्छा खासा एक डिलीवरी परसेंटेज है हमारा। डेली डिलीवरी की भी बात करेंगे हम, बट आप देखिए कि एक महीने में 21% डाउन गया है हमारा स्टॉक, 3 महीने में 40% अप है, और 6 महीने में 28%, 1 साल में 128% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। तो वही बात है कि लंबा समय रुकना पड़ सकता है इस स्टॉक में आपको, बट ये ठीक ठाक स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा था। ऑपरेटर्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है, इस वजह से स्टॉक में लगातार एक दबाव बनता है, बैकवर्ड आने की कोशिश करता है हमारा स्टॉक। डिलीवरी परसेंट डेली डिलीवरी की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि 12 फरवरी की जो डिलीवरी रही है 67% रही है, 65% 67%।
15 फरवरी की बात करें तो 56-57% के आसपास की डिलीवरी रही है। 16 फरवरी की बात करें तो 55% के आसपास की डिलीवरी रही है। और 17 फरवरी की बात करें तो 54-55% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर भी आती हुई दिखाई दी है। अब देखेंगे कि लगातार डिलीवरी परसेंटेज हमारा जो है वो मेंटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवर 50% की डिलीवरी है जो कि परफेक्ट डिलीवरी होती है। परफेक्ट डिलीवरी से मेरा मतलब है कि उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका डिलीवरी परसेंटेज अच्छा हो। यहाँ पर भर भर का माल उठाया जा रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि 17 फरवरी यानी आज की बात कर 34 मिलियन शेयर्स बाय किए गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज। 34 मिलियन शेयर्स बाय किए गए हैं, उसके बावजूद प्राइस हमारा डंप पड़ा हुआ है, नील पड़ा हुआ है। आप देखेंगे टाटा पावर में भी इतना स्टॉक्स नहीं बाय किया जा रहा है, वहां पर भी जो डिलीवरी परसेंटेज है लगभग 15% से नीचे है, उसके बावजूद भी वो स्टॉक हमारा लगातार रैली में बना हुआ है। इस स्टॉक के गिरने का जो एकमात्र कारण है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, वो ऑपरेटर्स का इंटरफेरेंस है, वरना ये स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है जो इसको दबाया जाए। इतना 5% 10% के आसपास 5.5% का डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। मंडे ट्यूसडे आज वेडनेसडे लगातार डाउनवर्ड जा रहा है ये, और उसके रीजंस कई सारे हैं। सबसे बड़ा जो रीजन है वो ऑपरेटर्स का इंटरफेरेंस है, वरना इतनी भारी भरकम डिलीवरी के बावजूद भी अगर स्टॉक नीचे जाता है तो इसमें किसी न किसी का हाथ तो होता है। 50% के ऊपर की डिलीवरी के बाद स्टॉक हमारा भागता हुआ दिखाई देता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब बाजार को देखेंगे तो बाजार हमें इस समय पर मिक्स इंडिकेशन जरूर दे रहा है। निफ्टी बैंक हमारा डाउनवर्ड गया है, निफ्टी 50 हमारा डाउनवर्ड गया है, और इसके भी रीजंस हैं कई सारे। आप देखिए यहाँ पर FII और DII लगातार बाजार को कंट्रोल कर रहे हैं। DII का डेटा देखेंगे आप तो कल DII ने 1560 करोड़ का माल बेचा था बाजार में, और FII की बात करेंगे तो 1145 करोड़ का माल वहाँ पर खरीदा गया था FII की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी हुई थी FII की तरफ से, जो कि पॉजिटिव, और यही पॉजिटिविटी अगर बाजार में बनी रहती है तो स्टॉक मार्केट हमारा ऊपर भागता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजार पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक के लिए। बाजार इस समय पर मिक्स इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी एनर्जी को देखेंगे, निफ्टी 50 को देखेंगे, निफ्टी बैंक को देखिए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए, यहाँ पर लगातार एक दबाव का माहौल बना हुआ है। और यही एक रीजन है कि मोस्ट ऑफ द जो स्मॉल स्टॉक्स हैं, हमारे पेनी स्टॉक्स हैं, वहाँ पर भी लगातार गिरावट का माहौल है। चाहे वो वोडाफोन आइडिया को देख लीजिए आप, चाहे ट्राइडेंट को देखिए, चाहे सुजलॉन एनर्जी को देखिए, ऊर्जा ग्लोबल को देखिए, वहाँ पर दबाव का माहौल है। और क्योंकि प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं इनके, मुझे लगता है कि आगे आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में सुजलॉन भी हमें अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट ऑपरेटर्स का जो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसे अवॉइड करना होगा। सेबी को इसमें इंटरफेयर करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए इस समय पर इंटरफेयर करना। चार्ट की बात करें तो चार्ट हमें वीक दिखाई देता है। इस समय पर चार्ट हमें पूरी तरह से गिरावट और बेरिश जोन में दिखाई देता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको। अब देखिए ये लेवल हमारा था और उसके बाद ये डाउनवर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक जो हमारा एक जोन बना था 5.40-5.50 रुपये के आसपास, वो भी ब्रेक हुआ है। जो हमारा स्ट्रांग सपोर्ट जोन मुझे लगा था यहाँ पर होगा, बट वो भी ब्रेक हुआ है, और 5.10 रुपये तक का एक स्ट्रांग सपोर्ट बनता है हालांकि, बट लेट्स सी कि वहाँ स्टॉप होता है या नहीं। कुछ बुरी खबरें नहीं आई हैं हालांकि स्टॉक में, बट उसके बावजूद भी अगर स्टॉक में इस तरह की गिरावट होती है तो वही एक रीजन है जो मैंने आपको बताया। और यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन में हमारा जो RSI है वो डाउनवर्ड जा रहा है, 34 का RSI हो चुका है हमारा। और आप देखिए MACD भी आप देखिए बुलिश जोन से निकल के बेरिश जोन में आ चुका है, लगातार बेरिश जोन में है। हिस्टोग्राम आप देखेंगे तो डाउनवर्ड बन रहे हैं लगातार, और ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं स्टॉक में। सुजलॉन में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी, होल्ड करने का डिसीजन भी मेरा नहीं रहेगा इस समय पर। लॉस आपका कम है तो बुक करके बाहर आइए, क्योंकि सुजलॉन में इस समय पर स्टे करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। बट अगर आप 2 साल 3 साल का एक मोमेंटम लेके चल रहे हैं, टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं, तो ठीक ठाक स्टॉक है, बुरा नहीं कहूँगा मैं इसे, ठीक ठाक स्टॉक यहाँ पर रिटर्न दे सकता है आपको, ठीक है। तो ये मेरी यही राय है, आपकी क्या राय है, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए कि बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, अभी क्या स्ट्रेटजी है सुजलॉन को लेकर, प्लीज़ कमेंट करके हमारे साथ शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।